हेलो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि टीनेज पेशेंट में हेयर लॉस क्यों होने लगता है, उसके क्या क्या कारण हैं। अभी आज में हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टीनेज पेशेंट में जो हेयर फॉल होने लगा है उसको हम अच्छे से कैसे मैनेज करें, उसके प्रीवेंशनली हमें क्या क्या ऑप्शंस है, कुछ हेयर टिप्स है जो हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नितिन मस्के। आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रेजेंटली वर्किंग विद अर्बन स्किनर हेयर क्लिनिक पुणे। सबसे पहले कुछ प्रिवेंशंस और कुछ हेयर टिप्स जो हम अच्छे से फॉलो करने हैं, जिसके कारण हम अच्छे से हेयर को मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें हेयर वॉश कैसे करना चाहिए, हेयर वॉश के लिए हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए। अगर आपका स्काल्प ऑयली है तो आपको रेगुलर बेसिस पे प्रॉपरली हेयर वॉश करना चाहिए। शैम्पू डेली बेसिस पे भी किया तो भी चलेगा, अगर आपको ज़्यादा ऑयली स्काल्प है तो। अगर आपका स्काल्प ज़्यादा ऑयल नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको हफ्ते में 2 से 3 बार अगर अच्छे से हेड वॉश करते हो तो वो भी अच्छे से मेंटेन हो सकता है। उसमें आपको अगर डैंड्रफ है, इचिंग है, फ्लेकी स्किन है तो उसमें अलग से शैम्पू आते हैं जो कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू रहते हैं, वो आपको अच्छे से यूज करना चाहिए, जिसके कारण आपका हेल्दी हेयर मेंटेन रह सकते हैं। आपको आपके हेयर का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, जिसमें कि आपको प्रॉपर हेयर कट लेना चाहिए। उसको मेंटेन रखने के लिए आपको जो बाकी के प्रोसीजर करते हो आप, हेयर स्ट्रेटनिंग है, हेयर कर्लिंग है, वो थोड़ा सा कम करना चाहिए। अगर आपको अच्छे से मेंटेन रखना है तो ये सब प्रोसीजर लिमिट रखना चाहिए। और अगर कभी आपके ड्राई फ्लेकी स्किन है तो प्रॉपरली उसको क्लीन करना चाहिए, रेगुलर वॉश करना चाहिए। और हफ्ते में एक बार आपको नहाने से पहले कोकोनट ऑयल आप प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो, उसको हल्के से मसाज करके लॉन्ग हेयर पे लगाना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके जो बालों की जड़ें हैं वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे मसाज होने के कारण उसमें ब्लड वेसल्स में सप्लाई अच्छे से बढ़ेगा, उसके कारण न्यूट्रिशन भी अच्छे से मिलेगा और आपके बाल अच्छे से मेंटेन रह सकते हैं। आपको जो डाइट में कुछ चेंजेस करने चाहिए, जैसे कि आपको जंक फूड्स है, फास्ट फूड्स है, वो एकदम कम से कम करना चाहिए। फ्रेश वेजिटेबल्स है, मिनरल्स है, विटामिन रिच डाइट है, प्रोटीन रिच डाइट है, जैसे कि चिकन्स है, अंडे हैं, वो अगर आप अच्छे से लेते हैं तो आपका डाइट और अच्छे से मेंटेन रह सकता है। हेल्दी डाइट रखने के साथ ही आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, इसके कारण आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन रहेगा और आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपके हेयर भी अच्छे से उसमें मेंटेन हो सकते हैं। आपको आपकी हेयर स्टाइल मेंटेन रखने के साथ ही आपको रेगुलरली कॉम करना चाहिए, जिसके कारण आपके हेयर कर्ली नहीं होंगे। रेगुलर कॉम करेंगे तो आपको जो अपने हेयर्स हैं वो अच्छे से मेंटेन रह सकते हैं, उसके कारण डैंड्रफ और इचिंग के कारण भी हम थोड़े से अवॉइड कर सकते हैं अगर आप उसको रेगुलरली वॉश करते हैं तो। उसके साथ जब भी आप बाहर जाते हो, समझो कि आप टू व्हीलर पे घूमते हो तो उसमें, आपको स्कूटर पे घूमते हो तो उस पर आपको हेलमेट यूज़ करना चाहिए, अच्छे से प्रॉपर कैप कवर यूज़ करना चाहिए, उसे अच्छे से कवर करना चाहिए। अगर ये करोगे तो उसमें आपको डस्ट, स्वेटिंग और धूप के कारण जो डैमेज होने वाला है वो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। आप जब भी आपकी हेयर स्टाइल करते हैं, नॉर्मली देखा गया है कि फीमेल पेशेंट में वो एकदम टाइट पोनीटेल बनाने लगते हैं, जिसके कारण एकदम उसमें प्रेशर आने लगता है, इसके कारण उसमें थिनिंग हो सकती है, आपकी हेयर लाइन थोड़ी सी रिसीड हो सकती है। तो हेयर लाइन जब भी आप एक हेयर स्टाइल बनाने लगते हैं तो एकदम टाइट बाल कभी भी हमें अरेंज नहीं करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा ढीलापन रखना चाहिए और पोनीटेल जो भी हम बनाते हैं तो उसमें टाइटनिंग एकदम कम से कम होनी चाहिए, जिसके कारण प्रेशर आने के कारण कभी कारण हमें हेयर लाइन रिसीड होने लगती है और उसमें भी थिनिंग होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो ये कुछ टिप्स है आपको अच्छे से फॉलो करने के लिए। अभी जब आपको हेयर फॉल होने लगा है तो हेयर फॉल कितना हो रहा है वो जब भी आप नोटिस करते हो, कि नोटिस कब करते हो, जब आप बाल घर पे बाल गिरने लगते हैं, कॉम्ब में बाल आने लगते हैं, इसके जब ये कुछ पेशेंट में एकदम ये नॉर्मल होता है, लेकिन आप जब भी नोटिस करने लगो कि ये हेयर फॉल कुछ ज़्यादा ही होने लगा है तो आपको नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए कि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, तो ये मैनेजेबल है। कुछ कुछ पेशेंट में अगर कुछ ट्रीटमेंट भी ना ले और अच्छे से प्रॉपर डाइट ले तो भी हेयर फॉल मैनेज हो सकता है, लेकिन कुछ पेशेंट में आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, जिसमें कि मिनोक्सिडिल है, विटामिन रिच डाइट है, जिसमें कि बायोटिन के टैबलेट्स रहते हैं, फिर कुछ प्रोसीजर्स है जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है, मेजोथेरेपी है, डर्मा रोलर है, ये प्रोसीजर करने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको प्रॉपरली उसके लिए कंसल्ट करना होगा। उसके लिए आपको नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना होगा कि अगर आपको फ्यूचर में अपनी हेयर स्टाइल अच्छे से मेंटेन करना है, और उसमें हेयर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। टीनेज पेशेंट में तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि अपना फेस अच्छे से दिखे, अपने हेयर अच्छे से मेंटेन रखे। लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये सब फॉलो करना है तो आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ आपको जो भी कुछ डिफिशियंसी है उसको मेंटेन करने के लिए डाइट फॉलो कीजिए। कुछ ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ने लगे तो नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट दिखाइए और आपकी हेयर का अच्छे से ख्याल रखिए,
क्योंकि एक बार हेयर फॉल होने लगा और वो ज़्यादा बढ़ने लगा तो उसको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है ट्रीटमेंट के, डायरेक्टली हमें ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। जब भी एंडोजेनेटिक एलोपेशिया रहता है जिसमें कि ग्रेड अबंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं होते हैं। टेक केयर, आपका हेयर का भी ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। एनी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन हो हेयर रिलेटेड तो हमें नीचे कमेंट्स में पूछिए, हम आपके प्रॉपरली सॉल्व करेंगे।